आज रौनक की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि आज हमारा लास्ट पेपर है। आज रौनक का लास्ट पेपर है, वो भी हिंदी का, और उसके बाद रौनक हैप्पी। सुबह के बजे हैं पूरे 7:30, और डेट तो आज की याद ही है, 15 मार्च है, और दिन है आज मंडे, है ना, दिन है हाँ मंडे। मंडे है और कोई बोले 16 को मिलने वाली है। हाँ जी, इतना रौनक को पता है। सो गाइज, आज पता क्या हुआ, कल शाम को ना मम्मी की कॉल आई थी, मेरे मायके वाले मम्मी की, और मम्मा पता क्या बोलते हैं, ये देखो तो, इसको बड़ा वो रहता है, इसको नानी से बहुत ही प्यार है, तो नानी की बातें सुनता रहता है। मम्मा पता क्या बोलते हैं मेरे, कि मैंने ना शिवरात्रि ब्लॉग में जो बकरू बनाए थे, बाकरे बोलते जिनको, कि मुझे नहीं पता ये क्यों बनाते हैं, फिर मुझे फ़ोन कर रही है कि मैंने बोला था अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा, उन्होंने जो है मेरी वीडियो देखी होगी, तो क्या बोल रहे हैं कि तुझे नहीं पता है तो मुझसे नहीं पूछ सकती थी, तेरी माँ को पता है। और वो बोल रहे हैं कि वो जो बकरू होते हैं ना, वो खिलौने होते हैं, वो खिलौने इसीलिए बनते हैं, आटे के खिलौने। एक कमेंट भी था कि आटे के खिलौने क्यों बना रहे हो, तो वो खिलौने जो है इसीलिए बना रहे होते हैं, बोलते कि पहले मतलब कि हमारे ना नाच होता है, उसमें वो गाना भी गाते हैं, फिर वो गा के भी सुना रहे थे, तो कमेंट आ गया था, फिर वो गा के भी सुना रहे थे। वो बोल रहे थे कि ना पहले जो शिवरात्रि थी ना, वो शिवरात्रि की इस तरह महादेव जिसको बोलते हम जो लगाते हैं ना नीचे, वो जो है पहले एक गवाले ने लगाया था, जो वाला नहीं होता है मतलब कि गाय चराने वाला, भंगल को जो गाय ले जाता है, बोनगवाड़ू बोलते हैं जिसको, तो उसने क्या किया ना, उसने वहां पे कहीं पे पेड़ के नीचे बोलते हैं एक छोटा सा मतलब कि मिट्टी के वो खिलौने बनाए, बकरे बनाए, रोट बनाए, उसने अपनी श्रद्धा से शिव जी के लिए बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या किया होगा, उधर महादेव लगा दिया और वहां पे पूजा कर दी, और वहां पे ना सचमुच के ही शायद, वो ऐसे बोल रहे थे, मुझे पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि वहाँ सचमुच ही फिर भगवान शिव आ गए थे, और उसके बाद फिर जो है इसका प्रचलन हुआ। बहुत बड़ी है वो, मैं जब जाऊँगी ना मम्मी को गाने को बोलूँगी, और फिर वो समझाएंगी भी थोड़ा बहुत, मेरी मम्मी को काफ़ी नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में, बूजी को भी, और फिर वो इस तरह से बोल रहे थे, फिर मुझे गुस्सा कर रहे थे कि तू सबसे पूछ रही थी, मुझसे क्यों नहीं पूछा। और चलिए गाइज, फिर मैं ना अभी 8 बजने वाले हैं, मैंने ना झाड़ू भी कर दिया है और ब्रश फेस वॉश सब कुछ कर दिया है, और आज ना मैं कहीं फिर से जाऊंगी, आना जाना लगा ही रहेगा, क्योंकि जो बासी होती है ना वो लेके भी जानी है, और आज मेरी ननद की बेटी का जो है बर्थडे भी है, और रौनक सुपर एक्साइटेड है, क्योंकि जब से मेरी ननद की जो है, इधर को ना दिख नहीं रहा है और बाजू में दर्द हो जाती है, क्योंकि जब से ना मेरी ननद की वो बेटी हुई है, उसके बर्थडे में रौनक के हमेशा पेपर होते थे ना, और वो भी स्कूल में, हम लोग जो है झाकड़ी में होते थे, उसके बर्थडे को हम कभी आ ही नहीं पाए, तो तो आज पहली ना बार जाएंगे। इसके पेपर ज़्यादातर 19-20 मार्च को ही ख़त्म होते थे, इस बार जो है इसके जल्दी लग गए थे ना रौनक पेपर इस बार। हाँ जी इस बार लग गए थे हमारे 27 फरवरी हाँ जी, नहीं को। तो इसके 5 मार्च से पेपर होते थे, 20 तक चलते थे, इस बार 27 से तो 15 तक चले, आज ही ख़त्म हो जाएंगे, तो आज हम इसी वजह से यहाँ घर में भी रहे हैं, कि रौनक मतलब कि मैं, हमारा था कि हमने इस बार मंजू की बेटी के बर्थडे में जाना है, जी और हमारे पास ना कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे। अभी जहाँ से हम जाएंगे ना हाँ वहाँ पर एक मार्केट पड़ता है तो वहाँ से हम गिफ्ट ले लेंगे उसके। हाँ हम रौनक और मैं ना उसके लिए कुछ ले लेंगे, ज़्यादा बड़ी मार्केट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी होगा, अगर एक दिन का भी बीच में गैप होता ना, तो हम चले जाते कहीं पे भी। मैं ना एक नई मार्केट दिखाना चाहती थी आपको, पर वो मैं दिखा नहीं पाई, कभी जाऊंगी ना तब जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि रामपुर ये इधर वाली मार्केट ही आप लोगों के साथ शेयर की है, मैं आप लोगों के साथ ना ठेक मतियाना मार्केट दिखाना चाहती हूँ, उधर को बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, हाँ पर जी मैं कभी जाऊंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। अभी जो है हम 15 दिन के लिए फ्री हो चुके हैं। अभी तो हम 15 दिन के लिए फ्री हैं। हाँ, मैं रौनक अब को, तो रौनक देख झाकड़ी चले जाते हैं, नहीं झाकड़ी में ना रौनक बोर हो जाता है, तो स्कूल खुलेंगे तो तब तो हम चले जाएंगे ही। इस बीच में ना थोड़ा बहुत जो है मुझे मम्मी की याद भी आ रही है, मम्मी के घर भी जाएंगे, मंजू के घर भी जाएंगे, और देखते हैं घर तो में भी 15 डेज रहेंगे। का रेस्ट हाँ, है। रौनक को थोड़ा सा ना, थोड़ा सा रौनक को मतलब कि चिलपिल करवाना है फील, और रौनक के लिए अभी मैंने तो हाँ शॉपिंग भी करनी है, इसके लिए कपड़े लेने हैं जी जो रौनक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको शॉपिंग से ज्यादा लगाव नहीं है। चलिए गाइस, बातें फिर बहुत हो जाती है, तो बस। बातें तो बहुत हो गई हाँ तो जी आप जी अच्छा जी, आता जब मैं हूँ। झाड़ू मार रहे थे ना, ये ब्रेकफास्ट बना रहे थे, तो अब इन्होंने जो है, चलो
पीते हैं अब चाय दूध पानी। बस चलिए गाइस हम भी चाय वगैरह पीते हैं, और मेरी वीडियो पे आ ही गए हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कर देना। बार बार नहीं बोलूँगी, फिर लास्ट में नहीं बोलूँगी। चलिए फिर अब मिलूँगी जब जाऊँगी, और आप लोगों के साथ भी अगर पॉसिबल हुआ तो शेयर कर दूँगी, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। ओगी है ना, ओगी है रौनक की नो बिता है। हो गया, ये भी हो गई, ये भी, और हमारा प्यारा पेन भी हो गया। मतलब ये तो हम इसको तो शार्प करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये भी हो गया, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी। आउटलाइनर ठीक है, रख लेते हैं इसको। सुबह में मैंने आटा गूंथ लिया था यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो है बासी ले जाते ना शिवरात्रि के बाद, वो नहीं ले गई थी अभी मंजू के लिए, तो उसके लिए मम्मी ने बोला कि आटा गूंथ के रखना, तो वो भी ले जाती हूँ अपने साथ। तो रौनक मेरे साथ हर काम करता है। मेरी बाई नहीं आई, बर्तन पे जम गई काई मेरी पाई। लास्ट टाइम जो किया था ना, हाँ यही वही एक्सपीरियंस आ रहा है ना। हाँ ठीक लग रहा है जी। जी बंदर हेलो। ये है जी कामकाजी पुरुष। रौनक हमेशा ही मेरे साथ ऐसे ही काम करता है, तो मैं भी उसको करने देती हूँ, क्योंकि फिर ये भी बिजी रहता है और थोड़ा बहुत सीख भी जाता है। तो आटा ना हमारे को अच्छे से गूंथना पड़ता है पकैन के लिए। उस दिन जो है मम्मी ने गूंथ लिया था तो मैं शेयर नहीं कर पाई थी, लेकिन आज जो है अब थोड़ा फ्री फील कर रही हूँ, क्योंकि एक पेपर रौनक का हो गया है, एक थोड़ा बाद में होगा जो गूगल मीट से होता है। थोड़ा आज के दिन लेट हो गए थे हम उसको करने में। फूलों में ना, गुलाब के फूलों में बर्ड्स आ गए हैं, ये देखो इसमें अगस्त के लगाए हुए हैं और बर्ड्स आ गए हैं। ये वाले इसकी ब्रांच है, ये बड़े हैं, इसमें तो बहुत सारे आ गए हैं। इसमें अभी धूप लग रही है ना, तो धुंधला दिख रहा है सामने व्यू। इसमें आ गए हैं, इस वाले में एक में दो बर्ड्स आए हैं, इसमें पता नहीं रेड आएंगे कि येलो, ये याद नहीं है। इसमें भी आ जाएंगे कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और इसमें भी आ जाएंगे। बाकी ये भी है, ये तो इस बार का ही लगा है, ये भी, पर पत्तियाँ इसमें भी आ गई हैं, टिक गए हैं। और ये है जी ये वाला रेड वाला, तो ये वाला रेड वाला है, बहुत अच्छे आते हैं इसमें फ्लावर्स। गाइस एक कमेंट मुझे बार बार जो है आ रहा है कि आप जब वीडियो बनाते हो तो आपका कैमरा कौन होल्ड करता है। गाइस मैं ना हर कहीं रख देती हूँ या ट्राइपॉड में फंसा देती हूँ, बाकी मेरा कोई कैमरामैन नहीं है। मैं जो है अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ, तो खुद से ही मुझे अपने कैमरे की सेटिंग करनी है। अभी भी मैंने यहाँ नीचे रखा है कैमरा, और कभी कभी ले लेती हूँ रौनक की हेल्प, जैसे कि अभी पेपर हो रहा है उसका, लेकिन फिर मैंने उसको बोला कि रौनक थोड़ी सी वीडियो बना दे। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर किया था पहले कि मैं निकालूंगी सब्जी अंजीर की, फेड़ू की, तो वो निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें ना फॉलिक एसिड वगैरह अच्छा होता है। तो यहाँ पे ऊपर चढ़ के निकाल रही हूँ, और रौनक को बोला मैंने कि तू जो है मेरी वीडियो बना दे। मैं चढ़ जाती हूँ पेड़ में या हर कहीं छत वगैरह पे भी मैं चढ़ जाती हूँ, तो यहाँ से निकाल दूँगी अब बारी बारी से मैं ये सारे, क्योंकि इसमें ना काफ़ी लग जाती है, हर साल यहाँ से एक सब्जी जो है हो जाती है। तो रौनक को अभी वीडियो बनाने के लिए बोल रही हूँ। आप खुद ही मतलब कि बहुत से लोगों को तो पता होगा ट्राइपॉड के बारे में, तो किसी को नहीं पता होता है। सवाल आते हैं, जैसे मैं चल रही थी ना, तो मैंने हर कहीं रख देते हैं और फिर बाद में एडिटिंग कर देते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। मैंने ये सब्जी निकाल तो दी है, लेकिन अब छांटने का काम मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये वाला काम बहुत ही डेंजरस होता है, इससे हाथों में खारिश हो जाती है।
ऑयल लगा के करना पड़ता है, ये मम्मी और डैडी कर लेंगे। अब मेरे बेटे का एग्ज़ाम चला हुआ है, हिंदी का लास्ट एंड फाइनल, और यहाँ बाहर पे मैं काम निपटा रही हूँ, साथ साथ में थोड़ा बैठना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। गाइस एक चीज़ के लिए मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो है पाइन ट्री को नज़दीक से दिखाना, तो हमेशा ही दिखाती हूँ, चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ऐसा है हमारा पाइन ट्री, एक ही ट्री है ये यहाँ पे, और इसके नीचे दोनों जो है मम्मी डैडी जो है सब्जी बीन रहे हैं अपने आराम से, ला रहे हैं वो सब्जी दिखाने को। मैंने बोला आप ट्राई कर दो, क्योंकि 11 बज गए हैं, फिर अभी खाने में बनेगी वो, तो वो प्रोसेस मैं नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि रौनक के साथ बैठी हूँ। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इस पर पेपर चला है इसका, तो सिंपल थी वो, धोली फिर उसको निचोड़ दिया, उसके बाद उसको अब इस तरह से कट कर देंगे और सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से फ्राई करेंगे। कभी नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ जरूर शेयर। गाइज यहाँ पे बन रहे हैं दोबारा से वही पकैन ताज़े ताज़े, क्योंकि हम जब जो है अपनी जाई जो होती है ना घर की लड़की, उनके घर जाते हैं तो ये साथ लेके जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो आटा गूंद के रखा था ना, वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, साथ में रौनक का जो है गूगल मैप से हो रहा है पेपर। साढ़े 3 बजे पहुंचे हम यहाँ पे, और आगे से आते आते ना बहुत ही पसीना निकलता है, और रौनक के कपड़े मैंने यही रखे होते हैं, और रौनक को कपड़े पहना दूंगी। मैंने ये वाली स्वेटर पहन ली है क्योंकि वो वाली ना पतली है, मुझे ठंड लगती है ना रौनक। चलो रौनक को नहलाया है, अब इसको कपड़े पहनाती हूँ। गाइस रास्ते का व्यूज हो सकते हैं, एक जगह कोटगढ़ में रुकूंगी, वो ही शेयर कर दूंगी थोड़ा बहुत, फिर जगह जगह नहीं रुकूंगी, फिर इसको भी बर्डन हो जाता है वीडियो बनाने का। बनाओगी वीडियो? चलो कोई नहीं, फिर हो जाते हैं। रौनक हो गया है रेडी, आज कौन सी कैप पहनी है, फौजी कैप और आर्मी वालों की पैंट। चल चल भाग, अब लेट हो जाओगे। गाइज रौनक को है व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक, जैसे ही उसके हाथ में कैमरा लग जाता है वो व्लॉगिंग करने लग जाता है। तो बच्चे बच्चे को पता है आजकल जो है व्लॉगिंग कितनी आगे निकल चुकी है। तो यहाँ जो है आगे मैं कोटगढ़ मार्केट आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करूँगी, ज़्यादा मैंने यहाँ से आगे कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फिर हो जाता है ना, फिर मैंने वहाँ पर गई कोई भी वीडियो नहीं बनाई मैंने यहाँ से आगे। तो कल जो है नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो बनी है, देखूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, या फिर आप लोगों के साथ मैं कल की वीडियो में है जो क्वेश्चन आंसर वीडियो एक शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत से मेरी पिछली वीडियो पे जो भी क्वेश्चन थे ना वो मैंने लिख के रखे हैं, लिख के फिर इसीलिए रखे हैं क्योंकि फिर आंसर देना ना मुश्किल हो जाता है सबको ही कमेंट में। तो मैं क्या करूंगी, सबके क्वेश्चंस के आंसर्स जो है दे दूंगी। गाइज यहाँ पे थोड़ी देर रुकी, कुछ सामान लिया, फिर यहाँ से हम चले गए, और आज है बर्थडे कोटगढ़ की ही आंचल श्याम जी का, हैप्पी बर्थडे आंचल जी, बहुत पहले से जो है वो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। मैं मिलूंगी एक नए वीडियो में, बाय।